पीलीभीत जिले में क्षेत्र साधन सहकारी समितियों के पर मतदान हुआ था, जिसको लेकर आज 664 संचालक अपनी अपनी समितियों के सभापतियों के चुनाव को लेकर वोटिंग कर रहे थे। वहीं पीलीभीत के पूरनपुर के भगवंतापुर में भी इसको लेकर वोटिंग हो रही थी। यहाँ पर हीरालाल और मनप्रीत सहकारी संघ के चुनाव को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने मैदान में आ गए और जमकर हंगामा करने लगे। हंगामा ऐसा था कि लाठी डंडे से लेकर पथराव तक के हुआ। इस बीच वहाँ ड्यूटी के पर तैनात एक दरोगा ने अपनी सरकारी गन से हवाई फायरिंग कर इन लोगों को रोकने की भी कोशिश की, मगर कोई ना रुके। मौके के ऊपर और पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। आपको बताते चले कि सुबह से ही यहाँ पर गर्मा गर्मी देखी जा रही थी, जिसको लेकर पुलिस फोर्स भी मौके पर पर्याप्त मात्रा में लगाई गई थी। इनको देखने के लिए सीओ पूरनपुर भी ड्यूटी के पर लगाए गए थे, जो अपनी ड्यूटी बाखूबी निभा रहे थे। मगर फिर भी मनप्रीत और हीरालाल की तरफ से दोनों लोग आमने सामने आ गए। ये लोग दोनों लोग यहाँ पर अध्यक्षीय पद के चुनाव के लिए थे। इनके बीच तकरीबन आधे घंटे तक लाठी डंडे व पथराव भी हुआ है, जिससे वहाँ पर लोग जो समितियों के चुनाव में वोटिंग करने आए थे या जो देखने आए थे उनको छोड़ रहे थे। तो असल हो रहा था तो हम लोग सब, आप देखते हो हम भी देखते हैं, सब पहुँच जाते हैं। तो ये डंडा चलाने लगे और दरोगा ने उठाई फेंक कर दे, तो जो सरदार रहा अंदर घुसे दिया, सभी है सब है सब अंदर कर दिया। हम लोगों ने मांगे सीधी कृपान चलाई, उनने क्या माहौल है। ये ग्राम भगवंतापुर में आज सहकारी समिति के अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा था, इसमें दो पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ और पुलिस मौके पर आ गई। सारे लोग अब शांति है और कोई बात नहीं है। बता रहे पथराव भी हुआ था, घायल भी हुए कुछ लोग। हाँ बाहर झगड़ा ये बूथ के बाहर हुआ था और यहाँ अंदर कोई झगड़ा नहीं। घायल भी कुछ लोग सुनना है कि घायल हैं, लेकिन अभी सामने नहीं आए।